जय श्री राम। धन सुख संपदा वाहन सुख वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं, यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहाँ शुक्र को धन सुख साधन वैभव संपन्नता मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज या जहाँ पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहाँ पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहाँ पर मीडिया डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव गुरु जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का विकारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश हैं तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है, और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा, क्योंकि ये मीन राशि है। मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की जो आज के समय में लग्जरी देता है, और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहाँ उसकी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है, यानी आपकी राशि के ही मालिक की बात कर रहे हैं हम।
आपकी राशि के ही मालिक उच्च के हुए हैं। अब जब राशि का मालिक उच्च का हो तो राशि के मालिक को समझने की जरूरत है। राशि मालिक लग्न मालिक यानी आप स्वयं हैं, और जब आप ही उच्च के हैं तो इसका मतलब इस दौरान कह सकते हैं कि मेरी राशि का मालिक ब्रह्मांड में उच्च अवस्था में चल रहा है, अच्छी आभाओं के साथ चल रहा है, अच्छी किरणों के साथ चल रहा है। और जब अच्छी किरणों के साथ चल रहा है तो मैं इस दौरान जो भी कर्म जीवन में करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरी राशि का मालिक बली है। अब स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, धन से संबंधित प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है सॉल्व होगी, विवाह का कारक है वैवाहिक संबंध अच्छे बनेंगे, विवाह संपन्नता दिखाई देती है, भाग्य के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, लग्जरी के लिए अच्छा। और शुक्र से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया कि जब शुक्र उच्च के होंगे और गुरु की राशि में उच्च के होंगे तो गुरु के कारकत्व क्या हैं और शुक्र के कारकत्व क्या हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अब जितने भी कारकत्व मैंने शुक्र के बताए हैं, अगर आपका इनसे संबंधित कोई भी काम है तो आप ये समझ जाइए कि भी आपके लिए ये समय बेहद खास और अनुकूल है, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होगा कि जब जब शुक्र उच्च के होंगे तब तब बृहस्पति की पोजिशन अच्छी होगी, क्योंकि ये शुक्र जो है गुरु की राशि में उच्च का है। गुरु कहाँ है? सप्तम भाव में है। यहाँ से बैठ के शुक्र की राशि को ही देख रहे हैं, यहाँ से बैठकर लाभ को ही देख रहे हैं, इसलिए धन का कारक गुरु बली हुआ है, क्योंकि वो शुक्र की राशि को देख रहा है, वो लाभ स्थान को देख रहा है। और शुक्र कौन है? एग्जॉल्टेड होकर 6th हाउस में बैठे हैं, इसलिए यह स्थिति क्लियर रूप से इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं शुक्र का उच्च का होना शुक्र के कारकत्वों की वृद्धि करेगा, गुरु की राशि में बैठकर जो इंटरनली कॉम्बिनेशन बनाएगा उसको और अधिक बली करता दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह स्थिति अपने आप में बहुत खास है, बहुत शुभ है। यानी शुक्र का उच्च का होना तुला राशि के जातकों के लिए कुछ खास और बहुत ही कुछ खास लेकर आ रहा है। इन 25 दिनों के अंदर आपके जीवन में अवश्य ही बहुत कुछ बेहतर होगा। जय श्री राम।